क्या आप जानते हैं कि आपके दिल में छुपा हुआ खजाना है, परमेश्वर ने उसे वहां रखा है। ये आपके अनोखे गुण और वरदान है। आपके दिल का खजाना परमेश्वर का दिया हुआ है। जब वो पूंजी लगाता है तो मुनाफे की उम्मीद भी रखता है। वो चाहता है कि उसकी पूंजी हम काम में लगाए। किसी ने कहा है कि पृथ्वी ग्रह पर सबसे धनी भाग तेल के कुएं वाली जमीन नहीं, हीरो की खान नहीं, या जखीरे वाला टापू नहीं। असल खजाना आपके नजदीकी कब्रिस्तान में। ये सुनने में बड़ा बेहुदा लगता है, लेकिन इन पाक पत्रों के नीचे वो खजाना है जो कभी पूरे नहीं हुए, वो गीत है जो कभी गाए नहीं गए, वो किताबें जो कभी लिखी ना गई, वो ख्याल थे जो कभी बताए ना गए, वो रहस्य की बातें जो कभी जाहिर ना हुई। बहुत थोड़ी फसीदी के लोग जिस ग्रह पर अपनी सच्ची वजूद को पहचानेंगे और मुराद पूरी करेंगे। क्या आप उनमें से एक होना चाहेंगे? पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूं, मेरा खजाना क्या है, मुझे परमेश्वर ने यहां क्यों रखा, कैसे मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी योग्यता को बढ़ा सकता हूं। अपने इन सवालों का जवाब हासिल करो तो जिंदगी कितनी हसीन होगी। अगर अभी तक आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम नहीं हुआ तो बेचैन ना हो, परमेश्वर से बातें करो, हर बात में अपना मकसद ढूंढो। याद करें कि जब आपने अपना पहला लफ्ज बोला था या पहला कदम उठाया था, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। उसकी आवाज सुनिए।